उत्तर प्रदेश में 3 जगह चुनाव होने हैं, लेकिन मैनपुरी लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर हर दिन होती राजनीतिक उठापटक ने मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जहाँ एक और अखिलेश ने बड़ा दांव खेलते हुए चाचा शिवपाल का साथ हासिल कर लिया है और सपा और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आ गई है, वहीं बीजेपी भी पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल को अखिलेश ने अपने साथ लाकर बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। वहीं शिवपाल भी बहू डिंपल के लिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में वो डिंपल के लिए प्रचार करने नगला कुशल गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने रघुराज शाह के पर निशाना साधा, बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन पिछले चुनावों की बात करते करते उनका दर्द एक बार फिर से छलक गया। शिवपाल ने कह ही दिया, 2017 में बीजेपी आती नहीं, वो हमारे साथ धोखा हुआ है, 2019 में नहीं जीतती और 2022 में अखिलेश हमारा फायदा नहीं उठा पाए, नहीं तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। अखिलेश हमारा फायदा नहीं ले पाए, 22 में भी नहीं ले पाए। 22 में भी बहुत अच्छा समय था, लेकिन हमारा फायदा अगर सहयोग लेते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, तो आज किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को और महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती। वही शिवपाल आज मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाह के पर भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। शिवपाल ने सीधे तौर पर रघुराज शाह के पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सच्चा शिष्य अपने गुरु से कोई बात नहीं छुपाता है। सुनिए कैसे रघुराज शाह के पर निशाना साधते नजर आए शिवपाल सिंह यादव। अपने गुरु से कोई बात छुपाता नहीं है और बिना गुरु के कहीं जाता नहीं है, वो वैसे तो हमने तो ये तो नौकरी किया था, तो नौकरी की इसकी नगर पालिका में हमने लगी और लाकर के स्पीकर से लाकर के शाबाद से दो बार एमपी बना दिया, से एक बार MLA बना दिया। तो बताओ जैसे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, अगर श्रेष्ठ था तो लड़ना चाहिए और फिर अगर इटावा से इसकी टिकट कटी थी तो अगले साथी तो लड़ना था। बताओ ये बिरादरी का भी ना हुआ, ना हमारा हुआ, ना नेताजी का हुआ, बताओ ना बिरादरी का अपनी तो हुआ। अगर सर्वेश शाह खिला रहा तो सर्वेश शाह को बिताना चाहिए था, तब बताता आकर के, तब बताता कि भाई आप मेरा हक है। तो ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं सब बातों के बाद शांत हो गए हो। आज उनके निशाने पर बीजेपी थी और वो हर तरह से बीजेपी पर निशाना साधने का एक भी मौका छोड़ने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रहे थे। बीजेपी को लेकर शिवपाल ने कहा कि चुनाव के दिन वो आपका आधार देखेंगे, कैसे भी करके वोट देने से रोकेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, हर कीमत पर वोट देना है। अगली बार ये सच्ची करेंगे, सबका आधार कार्ड देखेंगे, आईडी देखेंगे और कोई न कोई बहाना बन करके रोकेंगे, लेकिन रोकना नहीं, सबको बुला लेना, आईडी भी देख लेना, आधार कार्ड भी देख लेना, अपने पास एक चीज रखना और पोलिंग पर सुबह 7 बजे से लाइन लगा देना और सबके सब अगर वोट डाल दोगे, इतना वोट है समाजवादी पार्टी के पास, सर की जमानत व्यक्त भी हो सकती है। शिवपाल आज जहां बीजेपी खासकर रघुराज शाह के पर काफी ज्यादा हमलावर थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश और पिछले चुनाव की बात करते करते एक बार फिर से उनका दर्द छलक गया। साफ तौर पर शिवपाल ने मीठा सही लेकिन अखिलेश पर तंज जरूर कस दिया कि अगर अखिलेश हमारा फायदा उठा पाते तो प्रदेश में बीजेपी की नहीं बल्कि सपा की सरकार होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।